हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फॉर्मली मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसके बाद फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो लिखते हैं हम, मैंने लिखा लेट एफ डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेट एफ डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज वन वन is 1 1 and onto function let f defined from a to b is 1 1 and onto function, then there exist a function, there exists a function gx such that G is defined from set B to set A. अभी आता हूं उसके explanation में. And if F of alpha is equal to beta, then G of beta will be equals to alpha for all my alpha belongings to set A, comma beta belongings to set B. ठीक है, अभी अब कंप्लीट नहीं हुई, आप सुनना। तो gx मेरा क्या होगा, पहले लिख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। देन g ऑफ x विल बी कॉल्ड इनवर्स ऑफ fx denoted by f inverse x, that is g of x is equal to f inverse x. ठीक है, अगेन दिस इज नॉट इक्वल्स टू fx की पावर माइनस वन, ये चीज इसके बराबर नहीं है। ये हमारा किसके बराबर होता है, ये तो वन अपॉन fx होता है ना। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया एफ की पावर माइनस वन, वो एफ के ऊपर माइनस वन है, तब मैं उसको इनवर्स बोलूंगा। दिस इज रोटेशन, दिस इज नॉट वन अपॉन एफ एक्स। ठीक है, चलो अब आते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन पे। उसने क्या बोला कि अगर कोई मेरा फंक्शन है एफ एक्स, और उसको क्या होना चाहिए, एक तो वन वन होना चाहिए, वन वन होना चाहिए मतलब इंजेक्टिव, एंड ऑन टू होना चाहिए मतलब सर्जेक्टिव। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है किसी फंक्शन के लिए, तो वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फिर हमारा फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पहली बात तो। और वो इनवर्स करेगा कैसे करेगा, कि अगर f जो है वो a से b अगर डिफाइन है, तो जो इनवर्स होगा ना वो इसका उल्टा डिफाइन होगा, मतलब वो सेट b से सेट a डिफाइन होगा। प्लस ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैंने बोला कि f ऑफ 1 2 के बराबर है, तो g ऑफ 2 1 के बराबर होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी एग्जाम्पल देखूंगा तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। क्या बोला मैंने कि अगर f ऑफ 1 2 के बराबर है, तो g ऑफ 2 क्या होगा, 1 के बराबर होगा फॉर ऑल अल्फा। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए, सारे अल्फा, जैसे मैंने अल्फा कहां से ले रहा हूं, मैं डोमेन ए से ले रहा हूं ना, सेट ए से ले रहा हूं, तो फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू सेट ए, दिस कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, पहले ये डेफिनेशन लिख लो, मैं अब एग्जाम्पल लेता हूं, उससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक ना, तुम लोग पॉज करके कॉपी कर लो। अब देखना, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने लिखा y इज इक्वल टू लेट से ln x। ठीक है, तो इसका इन्वर्स अभी हम बाद में देखेंगे कि इन्वर्स निकालते कैसे हैं। ठीक है ना, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसका इन्वर्स होता है y इज इक्वल टू e की पावर x, दिस इज इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले मैं वो अल्फा और बीटा वाला कंसेप्ट क्लियर करता हूं। मैंने बोला जैसे इसके ऊपर एक पॉइंट है, क्या जिसमें x के लिए 1 रखा, तो y कितना मिलेगा, ln 1 which is 0, तो 1 comma 0 इस पे लाई कर रहा है। तो according to the definition of inverse, अगर fx पे alpha comma beta लाई कर रहा है, तो gx पे क्या लाई करेगा, beta comma alpha, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया था, if f of alpha is beta then g of beta will be alpha। तो अब देख लेते हैं हम इस पे क्या 0 comma 1 लाई कर रहा है, तो वेरीफाई करो, x के लिए 0 रखो, तो y कितना आ रहा है, e की पावर 0 which is 1, जैसे ये मेरा अल्फा है, तो इधर इसके मतलब क्या हो गया, f ऑफ 1 0 के बराबर है, दिस इंप्लाइज g ऑफ 0 क्या है,
वन के बराबर, एफ ऑफ अल्फा बीटा जी ऑफ बीटा अल्फा, समझ में आया? सो दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस। एक आध और ले लेते, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक अब इसका इनवर्स देखेंगे हम थोड़ी देर बाद, वो आता है y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। निकालते कैसे हैं वो अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो लेट्स वेरीफाई, तो मैंने इस पे एक पॉइंट ले लिया, लेट्स x के लिए मैंने 2 रखा, तो क्या मिलेगा मुझे y x x 2 रखा तो y कितना मिलेगा 2 क्यूब व्हिच इज 8। अब इस पे देख लेते हैं हम, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर ये इसका इनवर्स है, ये अगर इसका इनवर्स है तो इस पे 8 कॉमा 2 लाई करना चाहिए, तो x की जगह 8 रखते हैं हम, तो देखा y कितना आया, तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या आएगा 2। तो क्लियर हुआ बच्चों, ये एग्जांपल हो गया इनवर्स का, ठीक है। चलो अब एक बार हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको रब कर देता हूं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे मैंने लिखा, डायग्रामेटिकली लिख रहा हूं मैं, लेट्स से दिस इज माय सेट ए, इसमें मैंने लिया अल्फा वन अल्फा टू, और लेट्स से दिस इज माय सेट बी विच इज बीटा वन और बीटा टू ले लिया। लेट्स से ये इससे मैप है और ये इससे मैप है, तो ऐसे तो मेरा फंक्शन एफ डिफाइन है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ अल्फा वन क्या होगा मेरा बीटा वन, एफ ऑफ अल्फा टू क्या होगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम बीटा टू। अब आते हैं इनवर्स पे, इनवर्स मैंने क्या बोला, इनवर्स जो होगा वो उल्टा डिफाइन होगा, उल्टा डिफाइन होगा से मतलब है फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, ये क्या होगा इनवर्स, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन विच इज नथिंग बट मैंने उसको जी एक्स बोल दिया। तो अब इसके लिए क्या हो रहा है, बेसिकली बीटा वन बीटा टू डोमेन का काम कर रहा है, तो अब मैं इसमें अगर एक्स बीटा वन रखूंगा तो एफ इनवर्स ऑफ बीटा वन क्या आना चाहिए मेरा, अगर एफ अल्फा वन बीटा वन है तो एफ इनवर्स बीटा वन क्या आना चाहिए, अल्फा वन आना चाहिए, तो देखो बीटा वन किससे मैप होगा अल्फा वन से उल्टा, तो दिस विल बी अल्फा वन। सिमिलरली एफ इनवर्स ऑफ बीटा टू कितना आएगा मेरा बीटा टू का अल्फा टू, तो दिस विल बी अल्फा टू। तो ये चीज हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अच्छा अब मेन जो पॉइंट है डेफिनेशन में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द इन वन वन एंड ऑन टू वाला, तो उसको हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी है, फंक्शन को वन वन और ऑन टू होना जरूरी क्यों है फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, मैंने बोला, तो पहले मैं वन वन का देखता हूं, मैंने बोला कि वन वन फंक्शन होना जरूरी क्यों है, तो मैंने लिखा, पहले मैं कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब वन वन की जगह एक मैनी वन ले लेता हूँ और फिर प्रूव कर दूंगा कि मैनी वन अगर फंक्शन हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने लिया एग्जांपल मैनी वन का और मैं प्रूव करने जा रहा हूँ फॉर दिस मैनी वन फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे, देखो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, लेट्स से दिस इज अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, लेट्स से दिस इज बीटा वन बीटा टू, ओके चलो इतना लिख दिया, मैं अभी मैनी वन बना रहा हूं, तो मैनी वन बनाने के लिए मैंने क्या किया, अल्फा वन को तो बीटा वन से मैप किया, अल्फा टू को बीटा टू से मैप किया और अल्फा थ्री को भी बीटा टू से मैप किया। अब मैंने तुमसे पूछा कि अगर मान लो ये मेरा ऐसे फंक्शन डिफाइन है एफ, तो मेरा उल्टा क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, ऐसे डिफाइन होगा फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, ठीक है। अब मैंने तुमसे पूछा फॉरगेट अबाउट एफ इनवर्स, क्या एफ डिफाइन है, हाँ एफ तो डिफाइन है, क्यों डिफाइन है, बिकॉज एफ में हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है फंक्शन टू बी डिफाइन, ए सेट का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट फ्रॉम सेट ए, तो अल्फा वन का भी इमेज आ रहा है, अल्फा टू का भी इमेज है, अल्फा थ्री का भी इमेज है, तो दिस इज वैलिड फंक्शन। फिर मैंने बोला क्या ये वन वन है, नहीं वन वन नहीं है, मैनी वन है, क्यों, क्योंकि अल्फा टू और अल्फा थ्री दोनों पे मुझे सेम वाई मिल रहा है, ठीक है, सो दिस इज अ मैनी वन फंक्शन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बीटा टू हमें रेंज में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके दो पर इमेज आ रहे हैं, हेंस दिस इज मैनी वन फंक्शन। अच्छा चलो अब कमिंग टू द मेन पॉइंट, मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये मैनी वन फंक्शन है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखो एफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए से बी डिफाइन है, अब देखो एफ इनवर्स एक्स भी मेरा क्या एक फंक्शन ही है, लेट्स से मैं इसको जी एक्स बोल रहा हूं, अब मैं जी एक्स की तरफ से देखता हूं, तो जी एक्स के लिए जो बी है वो किसका काम कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है, और जो सेट ए है वो रेंज कोडोमेन का काम कर रहा है। क्या बोला दोबारा, जी एक्स फंक्शन के लिए जो सेट बी है दैट इज एक्टिंग एज अ डोमेन सेट एंड सेट ए इज एक्टिंग एज अ कोडोमेन सेट। तो अब देखो कि जी एक्स के लिए जी एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये वैलिड फंक्शन है, जस्ट थिंक इट, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जी एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बीटा टू की
दो इमेजेस मिल रही हैं। मैं प्री इमेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब gx की तरफ से बोल रहा हूं, फॉरगेट अबाउट fx। मैंने बोला gx एक फंक्शन है जो b सेट से a सेट की तरफ है, तो यू कैन सी बीटा 2 दो इमेजेस दे रहा है। ऐसा तो फंक्शन होता ही नहीं, मतलब इट इज समथिंग लाइक एक x के लिए मुझे दो y मिल रहे हैं, व्हिच इज नॉट अ फंक्शन। तो x इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो इससे मेरा क्या प्रूफ हो गया, फंक्शन अगर मैनिवन हुआ तो मेरा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं ऑन टू पे, कि ऑन टू होना जरूर क्यों है। अगेन आई विल टेक अ मतलब कंट्रोवर्सियल एग्जांपल, मतलब मैं क्या ले लूं, ऑन टू जगह इनटू ले लेता हूं और मैं प्रूफ कर दूंगा कि इस ये सिंस दिस फंक्शन इज इनटू हेंस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने एक इनटू फंक्शन ले लिया, तो लेट्स से दिस इज माय सेट ए, इधर ले लिया अल्फा 1 अल्फा 2, और लेट्स से दिस इज माय सेट बी, इसमें ले लिया बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3। मुझे इनटू बनाना है, तो मतलब रेंज कोडोमेन का एक आध एलिमेंट छूटना चाहिए, दैट शुड बी नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज। मतलब लेट्स से मैंने अल्फा 1 को बीटा 1 से मैप किया, अल्फा 2 को बीटा 2 से मैप किया, दिस इज माय फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और उल्टा मेरा इनवर्स इनवर्स डिफाइन होगा ऐसे फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। तो पहले मैंने तुमसे पूछा फॉरगेट अबाउट एफ इनवर्स एक्स, क्या एफ डिफाइन है? हाँ, एफ तो एक वैलिड फंक्शन है, क्योंकि एफ के अंदर डोमेन में दो एलिमेंट्स हैं और दोनों का इमेज है, एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नो एलिमेंट इज लेफ्ट इन सेट ए, तो एफ तो डिफाइन है। अब मैंने तुमसे पूछा फॉरगेट अबाउट एफ, अब मैंने बोला एक फंक्शन है एफ इनवर्स एक्स, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं। एफ इनवर्स एक्स इज सम फंक्शन, लेट्स से इसको gx बोल दिया। अब मैंने बोला gx के पॉइंट ऑफ व्यू से b क्या है मेरा डोमेन सेट, और सेट a क्या है मेरा कोडोमेन सेट फॉर एफ एक्स फॉर सॉरी gx। तो अब बताओ कि gx फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि gx फंक्शन एग्जिस्ट तब करता जब बीटा 3 भी मैप होता, क्योंकि एट प्रेजेंट बीटा 3 जो है एक एलिमेंट छूट गया ना इसके डोमेन में, बिकॉज ये जो सेट बी है दैट इज डोमेन सेट फॉर gx। तो बीटा 3 एक एलिमेंट छूट गया, और मुझे पता है कि डोमेन का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, नो एलिमेंट शुड बी लेफ्ट फ्रॉम डोमेन सेट, हैज gx इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसके आधार पर हम नोट लिख लेते हैं क्या, कि फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। तो लिखो चलो उसको, मैंने लिखा नोट करके लिखो इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट। फॉर अ फंक्शन फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट, फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट, फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट द फंक्शन मस्ट बी द फंक्शन मस्ट बी 1 1, और मैं एक और नाम लिख देता हूं इसका, क्या होता है हमारा इंजेक्टिव, इंजेक्टिव द फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, और ऑन टू को क्या लिखते हैं सर्जेक्टिव। तो सही है, फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट द फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव, That is bijective. तो inverse के लिए हम ये word use करेंगे bijective. Bijective है, इसका मतलब है ये दोनों चीज injective plus surjective is equivalent to bijective. तो मैं inverse अगर कोई किसी function को inverse exist करता है तो मैं क्या बोलूंगा उसको, वो invertible function है या फिर bijection function है, तो वो भी लिख लो कि that is g of x is called, या फिर inverse of fx ऐसे लिख लो, is called bijective function, bijection function या bijective function, और एक और नाम होता है which is or invertible, invertible नाम से indicate हो रहा है, invert हो रहा है, मतलब inverse exist कर रहा है, invertible। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज बिल्कुल याद रखना कि फंक्शन का इनवर्स जब भी एक्सिस्ट करेगा जब वो 1 1 हो और ऑन टू हो। जैसे आगे चल के हम एग्जांपल करने वाले हैं कि फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, पहले हम ये चेक करेंगे क्या वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, अगर नहीं है तो वही मेरा क्वेश्चन खत्म, मैं बोलूंगा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अगर 1 1 और ऑन टू है फिर उसके बाद फर्दर स्टेप्स हैं टू फाइंड एफ इनवर्स। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा ये पार्ट। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब देखना नेक्स्ट नोट, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना
नोट सेकंड नोट बेस्ड ऑन दिस, ये मेरा सेट ए था, लेट्स से अल्फा वन अल्फा टू इसमें थे और दो ही एलिमेंट ले लेते हैं, बी सेट है इसमें बीटा वन बीटा टू है, अल्फा वन बीटा वन से मैप है, अल्फा टू बीटा टू से मैप है। तो देखो डोमेन जो है, अब देखा मैं इसको तो एफ बोल रहा हूं और इसको मैं, ये हो गया मेरा इनवर्स या फिर जी एक्स बोल दो उसको, मैंने बोला देखना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, जो सेट ए है वो बेसिकली एफ के लिए तो डोमेन है, बट एफ इनवर्स के लिए क्या है, कोडोमेन, और कोडोमेन भी है प्लस रेंज भी बोल सकता हूं इस केस में, क्यों, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है ना, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो फाइनली मैं क्या लिख रहा हूं, डोमेन ऑफ डी सेट फॉर डोमेन, देखना ध्यान से, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, दिस इज माई नोट नेक्स्ट नोट, या फिर उल्टा, क्या रेंज ऑफ एफ एक्स विच इज नथिंग बट सेट बी इज नथिंग बट डोमेन फॉर एफ इनवर्स, दिस इज नथिंग बट डोमेन फॉर एफ इनवर्स एक्स, क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब आते हैं नेक्स्ट नोट पे। मैंने बोला कि अगर जी एक्स, मैंने बोला इफ जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, अगर जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है, दिस इंप्लाइज कि एफ एक्स क्या होगा, इज इनवर्स ऑफ, बहुत सिंपल सा पॉइंट है इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा इस पे, इज इनवर्स ऑफ जी एक्स, मतलब कहने का मतलब ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। अगर मैंने बोला कि एफ जी का इनवर्स है तो मैं बोलूंगा जी इनवर्स क्या होगा एफ, जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे मैंने लिखा एफ इफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, दिस इंप्लाइज जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, मतलब जी एक्स का इनवर्स एफ होगा और एफ का इनवर्स जी होगा, क्लियर है बच्चों। चलो तो एक बहुत छोटा सा पॉइंट था तो मैं इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर मैं थोड़ा डिटेल देखेंगे, तो इसको रब कर दो, ठीक है ना, मैं रब कर देता हूं उसको, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। अब देखना मैं क्या बोला, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अभी हमने देखा कि जब मैंने डेफिनेशन लिखवाया तो मैंने बोला कि एफ ऑफ अल्फा अगर बीटा के बराबर है तो जी ऑफ बीटा अल्फा के बराबर है, ये लिखवाया था डेफिनेशन में कि अगर जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है तो अगर एफ एक्स पे अल्फा कॉमा, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स के ऊपर एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जी एक्स पे एक पॉइंट है मेरा बीटा कॉमा अल्फा, क्योंकि एक्स ये है मेरा तो बीटा कॉमा अल्फा। अच्छा अब मुझे पता है एक चीज, स्ट्रेट लाइन में भी हमने देखा था कि अल्फा, अगर एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा और एक पॉइंट है बीटा कॉमा अल्फा, देन दीज टू पॉइंट्स आर मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, ध्यान करो मैंने बताया था तुम्हें, जैसे मैंने बोला 1 कॉमा 2 है, इसका मिरर इमेज क्या होगा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, दैट विल बी 2 कॉमा 1, ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। मैंने बोला चलो एक एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा दिस इज माय y इज इक्वल टू x लाइन, दिस इज y इज इक्वल टू x, मैंने बोला इधर कहीं तो पॉइंट है लेट्स से 2 कॉमा 1, 1 कॉमा 2 लो इसको, y कोऑर्डिनेट छोटा बड़ा है तो इसका मिरर इमेज इससे इतनी दूरी पे आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो ये पॉइंट क्या होगा 2 कॉमा 1, ठीक है ना, नहीं तो तुम प्रूफ कर सकते हो, मैंने बोला कि अल्फा कॉमा बीटा है ना, इसका मिरर इमेज निकालो अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, क्या बोला मैंने क्वेश्चन कि फाइंड अल्फा कॉमा बीटा का मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, देन यू विल सी कि यही आएगा बीटा कॉमा अल्फा, नहीं तो चलो निकाल के देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि अल्फा कॉमा बीटा, जैसे मैंने लिखा फाइंड मिरर इमेज ऑफ अल्फा कॉमा बीटा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x, इस लाइन के अबाउट तुम मिरर इमेज निकालो, तो कैसे करते हैं मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, एक होता है फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स, ठीक है ना, तो वो फॉर्मूला लगाते हैं, तो पहले मैंने इस लाइन को ऐसे लिख लेता हूं x माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है, मेरा पॉइंट्स क्या है अल्फा कॉमा बीटा, तो देखना क्या लिख रहा हूं, x माइनस x1 अपॉन a, a क्या होता है x का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू y माइनस b,
y माइनस y1 here is beta upon y का coefficient which is minus 1 is equal to minus 2 times क्या रखते थे फिर हम ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square अंडर रूट नहीं लेते थे मैंने उधर ही बहुत स्ट्रेस दिया था उस पॉइंट पे तो अल्फा कॉमा बीटा इसमें रखूंगा तो क्या आएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वन स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर विच विल बी टू तो ये टू से ये टू गया तो देखो इधर से आया एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू ये माइनस अंदर चला गया तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा अब इन दोनों से क्या आया मेरा एक्स इज इक्वल टू बीटा और इन दोनों से क्या आया मेरा y इज इक्वल टू अल्फा तो देखो क्या आया हमारे कॉर्डिनेट फाइनली इमेजेस अल्फा कॉमा बीटा का बीटा कॉमा अल्फा जो मैंने तुम्हें बोला था ठीक है चलो वो तो बात हो गई हमें पता था वो तो मैंने इसका प्रूफ दे दिया छोटा सा अब क्या है अब हमारा इधर इनवर्स में यूज क्या है वो देखते हैं मैं इसको रब कर देता हूं तुम लोग इसको कॉपी कर लो मैंने बोला कि देखो एफ एक्स पे अल्फा कॉमा बीटा लाई कर रहा है उसके इनवर्स पे बीटा कॉमा अल्फा लाई कर रहा है और फिर मैंने बोला कि सिंस दीज टू आर मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x देयरफोर द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स x विल बी मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू x या फिर सिमेट्रिकली प्लेस विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x क्या बोला मैंने ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड इट्स इनवर्स दैट इज एफ इनवर्स एक्स विल बी मिरर इमेज अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है ना मतलब जो इनवर्स का ग्राफ है वो एफ एक्स के अगर मान लो एफ एक्स के इनवर्स की बात कर रहे हैं तो वो एफ एक्स का मिरर इमेज होगा अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स ठीक है जैसे हम एग्जाम्पल पे ही देख सकते हैं मैं इसको रब कर देता हूं ठीक है तुम लोग पॉज करके कॉपी कर लो जैसे हमने जो शुरू में एग्जाम्पल लिया था e की पावर x और ln x वो इनवर्स है एक दूसरे के मैंने बोला था प्रूफ तो हम बाद में करेंगे कि वो इनवर्स कैसे निकालते हैं बट मान लिया तो मैं देखूंगा e की पावर x का ग्राफ और ln x क्या ये सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x मिरर इमेज है तो हमें आंसर मिलेगा हाँ कैसे देखो दिस इज y is equal to e की पावर x ठीक है अब मैं एक लाइन बना रहा हूं y is equal to x कौन सी लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन विद अ स्लोप 1 tan थीटा 1 होता है tan 45 अब मैंने बोला कि जो ln x है दैट शुड बी मिरर इमेज ऑफ दिस और वो है होगा ऑफ कोर्स ये दिस इज y is equal to ln x नाउ यू कैन सी कि जो y is equal to ln x है एंड y is equal to e की पावर x है दैट इज मिरर इमेज अबाउट द लाइन y is equal to x ठीक है ना और भी एग्जांपल देख सकते हो जैसे मैंने उधर एक और एग्जांपल लिया था क्या लिया था y is equal to x cube and y is equal to cube root of x they both are also inverse of each other तो पहले मैंने y is equal to x cube प्लॉट किया तो ये आया मेरा ठीक है अब मैं लाइन बना देता हूं कौन सी लाइन y is equal to x लाइन सो लेट्स से दिस इज माय y is equal to x लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई इसको चेंज कर देते थोड़ा लेट्स से दिस इज माय y इज इक्वल टू x लाइन अब क्या बोल रहा है वो ये देखो लिख लेते हैं पहले दिस इज माय y इज इक्वल टू x लाइन और मेरा ये जो कर्व है दिस इज y इज इक्वल टू x क्यूब मैंने क्या बोला जो इसका इनवर्स होगा दैट इज क्यूब रूट ऑफ x विल बी मिरर इमेज ऑफ y इज इक्वल टू x क्यूब अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x तो क्या होगा देखो ध्यान से और मुझे पता है x क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है हमने बताया पढ़ाया था ये कब पढ़ा था हमने जब वो x की पावर n पढ़ा था हमने तो दिस इज y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x यू कैन सी x क्यूब और क्यूब रूट ऑफ x क्या है मिरर इमेज है किसके अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है समझ में आ गया होगा आई होप चलो अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे तो मैं इसको रब कर देता हूं देखना नोट क्या है नेक्स्ट पहले नोट लिख लेते मैंने बोला नेक्स्ट नोट टू ऑब्टेन ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स फ्रॉम ग्राफ
फ्रॉम ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या करो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। क्या बोला मैंने, टू ऑब्टेन ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स x फ्रॉम ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x, इंटरचेंज x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। कैसे, इसका मतलब क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला कि लेट्स से हम e की पावर x ही ले लेते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल। तो मैंने लिया दिस इज y इज इक्वल टू e की पावर x, ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। उसने क्या बोला कि अब मुझे क्या बताना है, मुझे इनवर्स का ग्राफ बनाना है, तो क्या करूं मैं x और y एक्सिस को इंटरचेंज कर देता हूं। इंटरचेंज कर देता हूं मतलब क्या हो गया, तुम लोग अलग से बनाना, मैं इसी में मॉडिफाई कर रहा हूं, चलो अलग से ही बना देता हूं। मैंने बोला ये होगा, अब मेरा ये y एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा x एक्सिस हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं किया, और ग्राफ मेरा ये रहा। अब कोई बोलेगा कि सर आपने बोला ये इसका इनवर्स है, बट ये इसका इनवर्स तो ln x होना चाहिए, बट ये ln x जैसा तो नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा लेकिन है एक्चुअली। कैसे है समझना इसको ध्यान से, देखो ये तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला, पहले एक बार देख लेते हैं क्या बोला मैंने। मैंने बोला कि अगर मुझे एफ एक्स का ग्राफ दिया है और एफ इनवर्स का निकालना है, तो क्या करें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर देते हैं। अब इधर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरचेंज कर दिया, इधर एक्स एक्सिस लेके आया, इधर वाई एक्सिस लेके आया, ये e की पावर x था, e की पावर x का ग्राफ था, तो ऑफ कोर्स ये ln x होना चाहिए क्योंकि हमें पता है e की पावर x का इनवर्स क्या होता है, ln x होता है, बट दिख तो नहीं रहा एट प्रेजेंट मोमेंट, ln x की तरह तो नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज हमें क्या होता है, आदत होती है क्या कि हमारा ये x एक्सिस होना चाहिए और ये y एक्सिस होना चाहिए, तो अब हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे कन्वर्ट देखना, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट, ऐसे जो लिया है x एक्सिस ऊपर है y एक्सिस इस साइड है, मुझे x एक्सिस इस साइड लाना है, तो क्या किया देखना ध्यान से बच्चों, पहले मैंने इस ग्राफ को देखना ध्यान से, इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद देखो कैसा लगेगा, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा हो गया वाई एक्सिस। समझ में आया क्या लिखा मैंने, मैंने बोला कि मुझे ये x एक्सिस उस साइड चाहिए, y एक्सिस ऊपर चाहिए, तब मेरे को ln x की तरह लगेगा। तो अभी अब मैंने क्या किया, पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो मेरा कुछ ऐसे बना, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे क्या चाहिए x एक्सिस उस साइड चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसको y एक्सिस के अबाउट फ्लिप किया, या फिर ऐसे बोलूं कि इसका मिरर इमेज ले लिया y एक्सिस के अबाउट, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको फ्लिप किया, किसको, इस ग्राफ को अबाउट y एक्सिस, तो देखो क्या हो जाएगा मेरा, ऐसा हो जाएगा ये मेरी x एक्सिस आ जाएगी, y एक्सिस से अबाउट फ्लिप करूंगा तो y एक्सिस तो मेरा इधर ही रहेगा। नाउ यू कैन सी, अब दिख रहा होगा ये ln x की तरह, दिस इज y इज इक्वल टू ln x, ठीक है। तो क्या हुआ, कैसे लिख सकते हैं हम, स्टेप्स कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक तो बात ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन करेंगे कैसे, लाएंगे कैसे, क्या करेंगे हम, जो एफ एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू x का ग्राफ है, उसको पहले हमने 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, उसके बाद जो ऑब्टेंड ग्राफ है उसको y एक्सिस के अबाउट फ्लिप करेंगे, या फिर बोल सकते हैं 180 डिग्री रोटेट करेंगे, ठीक है, या फिर y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बट वैसे क्वेश्चन इस पे आना बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब फाइनली हम अपने मेन स्टेप में मूव करते हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो लिख लो तुम लोग, पहले वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ये डायग्राम को, ठीक है ना, रटना नहीं है, अगेन समझना है, ठीक है, समझ के कॉपी करना है, डोंट जस्ट कॉपी इट डायरेक्टली, पहले खुद से लिखो, ज्यादा सीखने मिलेगा। अब मैंने बोला हमारा नेक्स्ट स्टेप जिसका इंतजार था अभी तक, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, तो लिख लो हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये हमारा टॉपिक ही हो गया, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो लेट से मैं एफ एक्स की बात कर रहा हूं, विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसके रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं,
तो पहला स्टेप क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि हमें इनवर्स निकालना होगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है या नहीं है। अगर मैनी वन हुआ या फिर इन टू हुआ तो हम बोलेंगे एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप वन, ऐसे लिख लो, चेक वेदर फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, चेक वेदर फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू और नॉट, पहले ये देख लो कि है या नहीं है। इफ नॉट देन क्या लिखूं मैं डायरेक्टली, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन इनवर्स क्वेश्चन वही खत्म, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है अब स्टेप टू, डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं होगा, मतलब 1 1 ऑन टू नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, या तो दोनों ही कंडीशन वॉयलेट हो रही होंगी या फिर एक वॉयलेट हो रही होगी, मतलब मैनी वन हो जाए प्लस ऑन टू हो जाए तब भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, 1 1 इंटू हो जाए तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मैनी वन इंटू हो जाए तो फिर बिल्कुल ही नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों होना चाहिए, इनमें दोनों में से एक भी कुछ चीज फेल हुई तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब आते हैं, ठीक है हमने वेरीफाई कर लिया फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, इफ एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, मैंने बोला अगर फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तब क्या, फिर क्या करेंगे हम, देन इंटरचेंज, और अभी एग्जाम्पल लूंगा तो हर एक स्टेप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी हो सकता है तो मैं स्टेप लिखवाने के बाद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं छोटा मोटा डाउट रह जाए, बट एक एग्जाम्पल लूंगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मैं लिखा इफ एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, देन इंटरचेंज एक्स एंड वाई इन द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स, इन द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स। अभी मैं आता हूं, पहले स्टेप्स लिख लेते हैं फिर एग्जांपल से समझेंगे इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, स्टेप थ्री, एक काम कर दो ऊपर कोई मिटा देता हूं मैं, देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला, स्टेप थ्री क्या बोला मैंने इससे पहले, क्या बोला कि एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू हो गया, देन इंटरचेंज एक्स एंड वाई इन द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स, फिर क्या बोलूंगा स्टेप थ्री, फाइंड या फिर एक्सप्रेस लिख लो, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है ना, जब तुमने एक्स और वाई इंटरचेंज किया उसके बाद अब तुम्हारा काम क्या होगा, वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखना। ठीक है ना, स्टेप फोर्थ, द ऑप्टेंड वाई डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू सेट ए इज रिक्वायर्ड इनवर्स। खत्म, और कुछ करना ही नहीं है। क्या किया हमने बेसिकली अभी तक, एक और स्टेप है वो भी क्रूशियल है थोड़ा सा, उस पर आता हूं मैं। मैंने बोला सबसे पहला बात, पहले हम चेक करेंगे फंक्शन 1 1 है और 1 2 है या नहीं, अगर उन दोनों में से एक फेल हो गई तो क्वेश्चन वहीं खत्म, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब मान लिया हमारा 1 1 और 1 2 हो गया वो फंक्शन, तो इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए तो कैसे निकालेंगे, जो तुम्हारा एफ एक्स का डेफिनेशन है ना उसमें क्या करो, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, मतलब जहां एक्स लिखा है उधर वाई लिख दो और जहां वाई लिखा है वहां एक्स लिख दो, पहला स्टेप। उसके बाद क्या करो, y as a function of x लिखो, मतलब y को एक तरफ लिखो और बाकी सब जो x के टर्म्स है उसको RHS में लिखो, तो हमारा क्या हो जाएगा, y as a function of x। अब वो क्या बोल रहा है, जो तुम्हारा y निकल के आया ना वही बेसिकली इनवर्स है, एंड उल्टा डिफाइन फ्रॉम सेट b टू सेट a, क्योंकि मैंने इनिशियली जब डेफिनेशन लिख रहा था तो मैंने लिखा था वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू एफ एक्स विच इज डिफाइन फ्रॉम सेट a टू सेट b। क्लियर है, तो अब एक और स्टेप क्या है, ये स्टेप तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा एक एग्जाम्पल से। ठीक है ना, अभी के लिए लिख लेते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ नोट्स। मैंने लिखा इफ मल्टीपल डेफिनेशंस आर ऑब्टेन देन
टू चूज द एप्रोप्रिएट, देन टू चूज द एप्रोप्रिएट, देन चूज द एप्रोप्रिएट सिलेक्ट, टेक हेल्प ऑफ रेंज, ऐसे लिख लो, टेक हेल्प ऑफ रेंज। इसका मतलब क्या है वो मैंने बोला, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा इस पॉइंट को, बाकी चारों समझ में आना चाहिए तुम्हें स्टेप्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल, ठीक है ना, तो ज्यादा फील आएगी हमें, तो मैं क्या करता हूँ इसको रब कर देता हूँ, तुम लोग क्या करो वीडियो पॉज करके पहले कॉपी कर लो, ठीक है। चलो देखना, मैंने एग्जांपल लिख लेता हूं, अच्छा एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल है, पहले अगर समझ में आ गया हो कैसे निकाल रहे हैं तो तुम लोग एक बार खुद से करो, बेटर रहेगा। एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड एफ इनवर्स एक्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो, इफ एग्जिस्ट वेयर, और मेरा एफ एक्स क्या दे रखा है, F colon मतलब define from set A, set A देखा 0 open से 1 close, say set B which is 2 close से infinity open, और मेरा function की definition दे रखी है and F of x is equal to x plus 1 by x, ठीक है। तो हम start करते हैं इसको, तो सबसे पहला बात, एक मिनट के लिए मैंने तुम्हें बोला कि लेट्स से उसने ये हाइड किया होता, ये चीज नहीं बोली होती, ये वाली चीज, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है x plus 1 by x, इसके बारे में हमें बहुत कुछ पता है, ग्राफ तक पता है इसका तो हमें, तो क्या ये 1-1 है? नहीं है 1-1, ये फंक्शन 1-1 है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसका ग्राफ जो होता है, लेट्स से दिस इज माय y is equal to x supporting curve, ये ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, इसको मैंने बोला याद रखना, तो देयर आर इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस ग्राफ को दो जगह कट करेंगी, तो ये तो मैनीवन है, बट क्या है, तो फिर मैनीवन है तो हम नहीं निकाल पाएंगे इनवर्स, नहीं ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके इसने इस फंक्शन को शायद 1-1 बनाया होगा, तभी ये पूछ रहा है इनवर्स निकालने को। तो अब अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि इस फंक्शन का ग्राफ ये है, नहीं है, हमें उतना ही ग्राफ बनाना है जितना इसका डोमेन दिया है, एंड डोमेन इज 0 ओपन से 1 क्लोज, क्लियर है। तो एक बार मैं दोबारा ग्राफ बना लेता हूं इसका, मैंने क्या बोला, मेरे को इतना डेफिनेशन यूज नहीं करना, इसके साथ ये भी यूज करना है, ठीक है। तो अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखना ध्यान से, मैंने लिखा दिस इज माय सपोर्टिंग कर्व, मैं एक ही साइड बना रहा हूं बिकॉज ये जो है 0 to 1 पॉजिटिव एक्स के लिए है, तो लेट मी ड्रॉ ओनली 1 ब्रांच, तो मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं, तो लेट से ये मेरी ब्रांच हो गई ये वाली, ठीक है, एसिम्प्टोट का काम करती है y एक्सिस। अब मुझे पता है जो सबसे लीस्ट वाला 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2, 1 पे 2 आती है, ये भी पता हमें, नहीं तो रख के देख लो x = 1 पे, x = 1 पे क्या होता है, लोकल मैनिमा होता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, क्या अभी जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है इज इट अ ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन, नहीं, ये तो मैंने 0 से इंफिनिटी के लिए डिफाइन किया है, बट उसने तो 0 to 1 के लिए बोला है, तो मैं 1 के बाद वाला ग्राफ मिटा देता हूं। So this much is only my curve, जो ये वाला पार्ट लिखा है, देखो अभी मैं शेड कर देता हूं एक बार, जो डार्क लिख रहा हूं मैं अभी ब्लू शेड कर रहा हूं, दिस इज द ओनली रिक्वायर्ड, दिस इज द ओनली ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, जो फंक्शन क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। चलो अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये 1-1 और 1-2 है, अगर है तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो लेट स्टार्ट विद 1-1, तो मैंने बोला क्या ये 1-1 है, तो ये तो ग्राफिकली क्लियरली दिख रहा है, we can say graphically there is no horizontal line which will cut the graph at more than one point, to likh lo tum log isko statement, there is no single horizontal line which cuts the graph at more than one point, hence the function is 1-1, to 1-1 to hai, to main explain pura likhna hai notes mein, ab main 1-2 pe aata hu, to 1-2 ke liye kya hota hai, hame range nikalna padega, agar range codomain ke barabar aa gayi to 1-2 hoga, to ab clearly dikh raha hai from graph only ki what is range, 2 क्लोज से इंफिनिटी, जो ग्राफ का प्रोजेक्शन लूंगा वाई एक्सिस पे क्या आएगा, 2 क्लोज से इंफिनिटी ओपन, एंड दैट इज नथिंग बट कोडोमेन, तो रेंज जो आ रहा है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, हैज द फंक्शन इज ऑन टू, समझ में आया क्या क्या किया हमने, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा कर्व है वैसे।
तो फंक्शन वन वन हो गया, ऑन टू हो गया, स्टेप वन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं, अब हमें इनवर्स मतलब एग्जिस्ट करेगा, इतना पक्का हो गया इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब निकालेंगे कैसे, तो मेरा स्टेप टू क्या था, देखो ध्यान से सुनना, स्टेप टू क्या था मेरा उधर, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, तो इधर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये तो मेरा क्या लिखा है, ऐसे लिखा है एफ एक्स, दिस इज माई एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे लिखते ना। तो एक्स वाई की जगह एक्स लिखूंगा तो इधर आएगा एक्स, कलर चेंज कर लेते हैं, इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन वाई, इंटरचेंज एक्स एंड वाई वाला स्टेप हो गया। फिर स्टेप थ्री क्या था, मैंने बोला स्टेप थ्री वाई को मुझे लिखना है एक्स के टर्म्स में, y should be expressed in terms of x. अभी तो क्या हो गया, at present x लिखा है मैंने y के terms में, but मुझे चाहिए y एक तरफ आए, बाकी सब बचा हुआ RHS में जाए, ठीक है? तो इसका क्या किया, इसको simplify किया। अब देखो इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो procedure है, इसके बाद expressing y in terms of x, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हमें कैसे प्रोसीड करना है। जैसे इधर तो दिख रहा है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y में क्वाड्रेटिक आएगी, तो y की क्वाड्रेटिक को तो सोल्व कर सकता हूं मैं। तो मैंने बोला वाई इज एक्स वाई इज इक्वल, एक मिनट रुको, हाँ एलसीएम दिया तो वाई इधर आ गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन, देखो एक बार करेक्ट है, वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स वाई, करेक्ट है। फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इन वाई, तो मैं वाई निकाल लेता हूं, तो वाई क्या आएगा एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, तो मेरा वाई आ गया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बट क्या इधर दो डेफिनेशन आ रही हैं, एक प्लस के करस्पॉन्ड एक माइनस के, तो मैं लिख लेता हूं दोनों डेफिनेशन। अब वो हमारा फिफ्थ स्टेप होगा जो मैंने बताया था कि मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, इफ मल्टीपल डेफिनेशन आर ऑब्टेन तो क्या करेंगे, तब हम रेंज की हेल्प लेंगे। देखो क्या है, मेरे दो डेफिनेशन आई, एक तो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय टू, और एक मेरा आया वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय टू, इन दोनों में से एक करेक्ट है। तुम वीडियो पॉज करके सोचो विच इज करेक्ट, विद सम ऐसे तुक्का नहीं मानना, कुछ लॉजिक सोच के, ठीक है ना। मैंने बोला एक करेक्ट है एक गलत है, कौन सी करेक्ट है वो तुम लोगों को बताना है। अब देखो अब मैं बता रहा हूं, मैंने बोला जो इनवर्स है एफ अगर ऐसे डिफाइन है तो जो एफ इनवर्स होगा वो कैसे डिफाइन होगा, वो डिफाइन होगा टू कॉमा इंफिनिटी से वन ओपन से सॉरी जीरो से वन ओपन वन क्लोज, ये इनवर्स डिफाइन होगा। अच्छा अब सुनना, ओके मैंने बोला अगर ऐसे भी कर सकते हैं, अब देखो x जो इसके लिए डोमेन है दैट इज फ्रॉम टू क्लोज टू इंफिनिटी, तो मैंने बोला ये चीज ये इनपुट जाएगा फंक्शन के डोमेन का काम कर रहा है, तो अगर x इंफिनिटी को जाएगा, अगर फंक्शन x इंफिनिटी को जाएगा तो ये देखो मेरा y कहां जा रहा है, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी को जा रहा है, बट कोडोमेन तो मेरा इतना सही है, और y की वैल्यू क्या कोडोमेन का सबसेट है, नहीं, रेंज तो बाहर निकल गई, तो इसका मतलब ये डेफिनेशन यूज नहीं होगी, दिस इज करेक्ट। देखो एक बार और बताता हूं क्या बोला मैंने, देखो इसके वैसे दो एक और तरीका है, एक आध पॉइंट रख के देख लो, एक आध पॉइंट रख के देख लो, उससे भी वेरीफाई हो जाएगा। कैसे, जैसे हम ले लेते हैं ओके टू माइनस टू पे, तो ये टू पे तो खैर टेन कोई भी एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से मैंने एक्स इजिकल टू टेन लिया, एक मिनट के लिए ले लिया, तो देखो इधर से मेरा क्या आया एक्स इजिकल टू टेन, टेन क्या है डोमेन का एक एलिमेंट है, तो मैं टेन रख सकता हूं, टेन रखना मेरे को इजाजत है टेन रखने की, तो मैंने इधर रखा एक्स इजिकल टू टेन और एक बार इधर रखा, देखो क्या आता है, इधर से आया टेन प्लस अंडर रूट ऑफ हंड्रेड माइनस फोर मतलब नाइनटी सिक्स बाय टू, और इधर मैंने एक्स इजिकल टू टेन रखा तो इधर क्या आया टेन माइनस अंडर रूट 96 बाय 2। अब देखो इन दोनों में से कौन सा एलिमेंट इसका सबसेट है, क्योंकि ये तो रेंज का पार्ट है ना, एंड रेंज शुड बी सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऑफ कोर्स दिस, ये तो क्रॉस कर गया ना वन को, हेंस दिस इज माय करेक्ट डेफिनेशन। समझ में आया वो फिफ्थ स्टेप जो मैं उधर बोल रहा था तुम लोगों को कि मल्टीपल डेफिनेशन ऑब्टेन होगी तो हम कैसे उसको एलिमिनेट करेंगे, उसमें से कौन सी करेक्ट होगी, तो दिस इज करेक्ट वन, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो, और कॉपी करने से बेटर है क्या करो, एक बार खुद से करो जो मैंने बताया,
ठीक है, अगर अटकते हो देन वीडियो पॉज करके फिर कॉपी करना, फिर देखना कहां अटक रहे हो तुम, पर पहले एक बार खुद से कोड ट्राई करो। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली अकरिंग फंक्शन है, और मैंने तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन लिया था पहले, लिख लेता हूं समझ जाओगे तुम। मैंने बोला f डिफाइन फ्रॉम सेट R टू R, एफ एक्स की डेफिनेशन दे रखी है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज फ्रीक्वेंटली, इंपॉर्टेंटली मार्क कर लो इसको, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है ये फंक्शन थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी आएगा, और पहले हमने इवन ऑड में भी इसका डिस्कशन लिया है। क्या होता है ये, याद है किसी को, सोचो रिकॉल करो, दिस इज अ ऑड फंक्शन, ये प्रूव किया था हमने। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आएगा, ठीक है ना, रैशनलाइज करके बताया था मैंने इसको, ठीक है। चलो वो हो गया हमारा इवन ऑड वाला पार्ट, तो हालांकि लिखना है तो तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो दिस इज अ ऑड फंक्शन, ठीक है। चलो अब आते हैं इनवर्स पे, तो इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ये 1 1 है ऑन 2 है, तो स्टार्ट करते हैं 1 1 के लिए। तो 1 1 के निकालने के लिए क्या किया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स निकाला, ठीक है, ध्यान से देखना है डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव भी हमें याद रखना है, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल से अंदर का 1 प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल से एक्स स्क्वायर का 2x। ये तो मैं आई होप फिजिक्स में चेन रूल आता होगा, और नहीं भी अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं आता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारा डिफरेंशिएशन चैप्टर आएगा तब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चेन रूल, ठीक है। चलो ये गया मेरा, इससे एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेक्ट है, फिर 1 फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन ट्वाइस अंडर रूट दिस प्लस करेक्ट है, तो मैंने लिखा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एलसीएम लिया तो इधर आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये पार्ट इससे कैंसिल, तो सिंप्लीफाई करके हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दिख रहा है अंडर रूट ऑफ एनीथिंग, ये तो पॉजिटिव होती है, नॉन नेगेटिव होती है बेसिकली, और डिनोमिनेटर में लिखा है एंड दिस इज इज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वी कैन से दिस इज ग्रेटर देन 0, तो मेरा एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आया, इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, मतलब डेरिवेटिव इज नॉट चेंजिंग इट्स साइन, तब मैं क्या बोलूंगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, या फिर डायरेक्टली बोल सकता हूं एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो मेरा फंक्शन 1 1 होगा, ये कराया था एक पॉइंट, फंक्शन विल बी 1 1, तो 1 1 तो प्रूफ हो गया। अब हम आते हैं ऑन टू वाले पार्ट पे, तो मैं इसको रब कर देता हूं, ऑन टू के लिए क्या करूं मैं, इसकी रेंज निकालना है मुझे फॉर द गिवन डोमेन, और डोमेन क्या है, ऑल रियल वैल्यूज, तो फाइनली मुझे एफ एक्स की रेंज निकाल लेता हूं, अगर वो कोडोमेन के बराबर आ गई तो ऑन टू भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, एक सिंगल क्वेश्चन से क्या हो रहा है, हमारे मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं, जैसे इसमें क्या क्या कवर हो गया, इन टू ऑन टू भी कवर हो गया, 1 1 मेनी 1 भी कवर हो गया, फिर इनवर्स भी हो जाएगा, फिर ये इसका डिफरेंशिएशन भी कवर हो गया, विच इज इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज, ठीक है ना, वो याद रखना हमें। अब मैंने बोला कि लेट्स फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इन दिस गिवन डोमेन क्या आर, तो रेंज निकालने के लिए जैसे अभी मैंने देखा कि देखो एक मिनट, हाँ मेरा जो डेरिवेटिव था वो पॉजिटिव आया था, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये मेरा प्रूफ हो गया, एफ इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर मैंने माइनस इंफिनिटी डाला इस पे एक मिनट के लिए और प्लस इंफिनिटी डाला उन पे, मैं वैल्यू चेक कर लेता हूं, तो लेट्स से मैं एक्स इज इक्वल टू इंफिनिटी डाल रहा हूं, अगर x इंफिनिटी डालोगे तो दिख रहा है क्लियरली ln ऑफ इंफिनिटी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, ये भी ये दोनों इंफिनिटी इंफिनिटी मिलके इंफिनिटी को जाएंगे, और ln ऑफ इंफिनिटी कहां जाएगा, ये पूरी चीज किसको अप्रोच करेगी, इंफिनिटी को, तो इंफिनिटी पे वैल्यू इंफिनिटी आ रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट x = -∞, तो -∞ पे क्या होगा,
इसको थोड़ा समझना ध्यान से, इसको दो तरीके से समझा सकते हैं। एक तो मैंने लिखा ln ऑफ माइनस इंफिनिटी प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस इंफिनिटी स्क्वायर। तो देखो एक चीज ऐसे समझ सकते हैं, इंफिनिटी का स्क्वायर मैं वन ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अंडर रूट ऑफ इंफिनिटी स्क्वायर इज इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज जीरो, ln जीरो इज माइनस इंफिनिटी, विच इज नॉट अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बट काफी हद तक करेक्ट है। बेटर क्या है देखना, बेटर समझने के लिए मैंने क्या किया, इस फंक्शन को ऐसे लिखा, रैशनलाइज करके लिखा। मैं रैशनलाइज किया तो क्या लिख सकता हूं, मैं ln ऑफ देखना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन से, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स से, तो ऊपर तो बचेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। वही चीज लिखिए, मतलब ये कट्टा पट्टी हो गई। अब सुनो, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं ln ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो ये इंफिनिटी है, माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है, वन अपॉन इंफिनिटी क्या होगा जीरो को अप्रोच करेगा, और ln ऑफ जीरो क्या होगा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, अच्छा प्लस फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है कंटिन्यूअस भी है, और मैंने बोला डोमेन मेरा था आर, तो रेंज क्या हो गया एफ ऑफ इंफिनिटी से, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी से एफ ऑफ इंफिनिटी, विच इज नथिंग बट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो रेंज क्या आ गई मेरी, रेंज इज आर, रेंज इज आर, एंड कोडोमेन क्या दिया है आर ही दिया है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम फॉर्मली फंक्शन निकाल लेते हैं। तो स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप टू क्या होता है, एक बार हमने प्रूफ कर दिया कि वन वन और ऑन टू है, उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज एक्स और वाई को इंटरचेंज करते हैं, तो एफ एक्स मतलब ये मेरा वाई लिखा है, तो इधर मैंने एक्स लिखा इज इक्वल टू एल एन ऑफ वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या करते हैं हम, वाई को एक्सप्रेस करना है एक्स के टर्म्स में, तो क्या किया हमने एल एन को रिमूव किया, तो एल एन को रिमूव करूंगा तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर। फिर ये वाई को मैं इस साइड लेके आया, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वायर किया, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर, तो इधर से मेरा ई की पावर टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ई की पावर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, तो देखो ये तो बहुत आसान, एक ही डेफिनेशन आई, मल्टीपल डेफिनेशन भी नहीं आई, कैसे इधर लिखा ई की पावर टू एक्स, वो वन को इधर लेके आया माइनस वन डिवाइडेड बाय टू ई की पावर एक्स, दिस इज माई वाई, तो रिक्वायर्ड वाई क्या होगा, जो y मेरा आया दैट इज नथिंग बट इनवर्स, इधर मल्टीपल डेफिनेशन भी नहीं आई, हमें एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, दिस इज व्हाट इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो समझ में आया इनवर्स कैसे निकालना है, हमें एक बार रिकॉल करते हैं, क्या बोला सबसे पहले हमें चेक करो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है या नहीं, अगर नहीं है तो क्वेश्चन वहीं खत्म, अगर है तो फिर हम अगले स्टेप में मूव करते हैं। क्या होगा एक्स और वाई को इंटरचेंज करेंगे हम, फिर क्या करेंगे वाई को एक्स के टर्म्स में लिखेंगे, अगर मल्टीपल डेफिनेशन आई तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम पॉइंट या फिर रेंज की मदद से, और अगर नहीं आई तो हमारा जो रिक्वायर्ड वाई आया इन टर्म्स ऑफ एक्स दैट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं।